यहाँ से नारान शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा सिटी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सिटी है। तो यहाँ पे बाज़ार है सुनसान, हम शायद सुबह सुबह पहुँचे हैं इस वजह से अभी 7:30 हो रहे हैं। इस एक साइड पे लगे हुए हैं मंजे और इस साइड पे टेबल लगे हुए हैं, अपना स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया। थोड़ी नींद पूरी हो गई है? नहीं वाकई नहीं होगी। किन तुम मेरे ख्याल 4-5 घंटे शायद सो लिया? मैं 10 घंटे सो। नहीं 4-5 घंटे सत्य हो गए? 3.5 घंटे सोते हो तकरीबन? 3 तो भी घट। मैं 3.5। हाँ हम लोग आए हुए हैं गर्मी के स्टाइल में, तो हम जो है वो छाँव में बैठ के नाश्ता करेंगे। ये भी अपना सियाल रोड। यहाँ से हम लोग निकले और ये जनाब नक्शा पूरा, और इस वक्त हम यहाँ से होते हुए आगे जाएँ आगे नारान। अगर यहाँ से देखें, अगर यहाँ से होता मोटरवे सीधा यहाँ, अगली दफ़ा इलेक्शन देख लो वो तुम वहीं वोट देवे, फिर तुम यह मोटरवे बनवाना। तो ये देखें नक्शा यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का। उर्दू आती है? नाम बताएं उर्दू में। यूसुफ खान। क्या? यूसुफ खान। अच्छा जी। खौफनाक दरिया जनाब, दीजिएगा मुझे 100-150-200 तक। क्या करने हैं आपने? दे देना। ये लें जनाब, जितने चाहिए ले लें। थैंक यू सर। गरीबों के लिए छोटा नोट ही नहीं को रखा हुआ। जो भी बंदा गर्म इलाके से आता है यहाँ पे गर्मी का सताया हुआ, उसके लिए ये जगह बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे इस वक्त ना गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा जिसे बोलते सकते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल मौसम जिसे आप कहते हैं। इस टाइम यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और वो भी दरिया के किनारे के ऊपर, तो आपको एक अजीब किस्म का लुत्फ़ आता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। बाग है इधर? हाँ क्यों नहीं है? सेब का बाग जो है सब देखो। किस साइड पे है? कितने परसेंट उस साइड में? आगे है उधर भी मैं कागान में भी मैं नहीं। इस पहाड़ के ऊपर क्या है? क्या है इसके ऊपर? इसके ऊपर चारमा है। वो क्या है? वो बंदा खाते है इतने इतने जामन। जामन? अच्छा जामन है इसके ऊपर, वो तो हमारे इलाके में भी होते हैं। कुछ सेब कोई अखरोट कोई 48 लगा होगा वो नहीं है इधर ऊपर। वो आगे हैं? नीचे भी मैं। नीचे की साइड में? नीचे अफगानिस्तान। आप अफगानिस्तान से आए हुए? हाँ। आपको उर्दू फिर कैसे आती है अगर आप अफगानिस्तान से आए हैं? उर्दू तो पहले आया मैंने, ये घड़ी का बोला मैंने, घड़ी नहीं है ये पेड़ा है इसको मैंने बोला। पहले पैसे को मुझे नहीं समझा, पैसे की नहीं समझ आती थी क्या होता है। क्या अब पता चल गया ना कि पैसा ही सब कुछ होता है। वो किस तरह दे रहा है? कितना? 300 काम नहीं करेगा यार, मैं तो लेने आपको 350 आधा किलो दे दें। वो आलू बुखारा या आलू बुखारा
ये किस तरह? ये 300 ये भी? ये जनाब ये हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा। आलू बुखारा भी आधा किलो। नहीं ये कच्चा नहीं डालना, कच्चा निकालो। वो वाला दो छोटा निकाल लो ना, यही दो ना, अच्छे वाला दो, लेकिन कच्चा ना डालो। मीठा यही है। जहाँ से हमने लगाठे लिए हैं और साथ आलू बुखारा। ये पानी कहाँ से आ रहा है? चश्मे को। चश्मे से? तो ये प्रेशर चश्मे का, ये इतना चश्मे का। तो पीने के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं? पीने के लिए। साफ पानी है ना? साफ पानी। सही हो गया माशाल्लाह, देखने में ही पता चल रहा है कितना साफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा वो किधर है? आगे है? आगे रास्ता ठीक है, जा सकते हैं? कहाँ तक ठीक है रास्ता? गिलगित तक। ये गाड़ी हमारे पास, ये ब्लैक, ये जाएगी आसानी के साथ जाएगी। ठीक हो गया। नाम क्या है आपका? जमील। शबीर? जमील। जमील माशाल्लाह। यहाँ पे क्या करते हैं? ठीक हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया। अभी तक हम नारायण में ही घूम रहे हैं, तो टाइम जो हो गया वो हो गया तकरीबन, यहाँ टाइम क्या हुआ? 11:02 हो गए हैं। और अभी नारायण में थोड़ी रौनक जो है वो आना शुरू हो गई है। ये देखें, यहाँ पे जैज़ के सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे। तो अभी मुबशर भाई जो हैं वो सिम ले रहे हैं टेलीनॉर की। ये बर्फ़ की तय है, ये देखें जनाब। ये बर्फ है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत झरना है। ये यहाँ पे छोटा सा खेत बना के तो ये मटर लगाए हुए हैं, ये देखें। और ये बाउंड्री बनाई हुई है ताकि कोई जानवर वगैरह ना इसके अंदर घुसे, इस साइड पे भी। और ये मटर लगाए हुए हैं, इस साइड पे जानवरों का चारा काश्त किया हुआ है। इस तरह छोटे छोटे खेत बना गए ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं इन लोगों ने काश्त की हुई हैं। माशाल्लाह बर्फ ही बर्फ है हर तरफ। और ये बीच में से रास्ता, ये तो तकरीबन 20-20 फुट है, 20 से भी ज़्यादा होगी माशाल्लाह। जनाब ये रही जी, सही आ रहे हैं कैमरे थोड़े जे? मेरे कैमरे तो ही परफेक्ट आ रहे हैं। बर्फ बर्फ, अभी बर्फ, असली बर्फ शुरू हुई है। बीच में से सड़क, इधर भी बर्फ उधर भी बर्फ। वह मच्छी वह हम लोगों ने सोचा नहीं था कि आज भी हम लोग इतना सफर करेंगे। मैं यानी आज का पूरा दिन ये कहाँ पे आपने बढ़ रखी हुई अल्लाह के दो चले तो। लेकिन आज का दिन भी हमारा जो है वो सफ़र में ही गुजर गया। ये ज़िंदगी भी एक सफ़र है, एक दिन ख़त्म हो जानी है ऐसे ही बाग में। इस वक्त हैं हम बाबूसा टॉप के ऊपर
और यहाँ पे जो आपको व्यू हम चेक करवाएंगे, सुभान अल्लाह। और ये रहे हमारे दोनों भाई, वो भी सीन ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये जनाब यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दिया और कमाल का व्यू है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर बर्फ जो है वो लोड की जा रही है। अभी हम चलास के इलाके में दाखिल हो गए। तो यहाँ पे जो पहाड़ है ना, ये पथरीले पहाड़ हैं, बिल्कुल गंजे जिसे बोल सकते हैं, सब्ज़ा बिल्कुल है ही नहीं यहाँ किसी तरफ भी। तो पीछे जो सफ़र हमने किया वो पहाड़ जो थे वो दरख्त भी थे, यहाँ पे ना दरख्त हैं पहाड़ों के ऊपर और ना ही कोई घास वगैरह। पीछे जो हमने सफ़र किया है वो काफ़ी मज़े का था, ये ऐसे जैसे आंखों को चुभ रहे हैं ये वाले पहाड़।